हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लश ब्लश। और मैं हूँ आपकी फ्रेंड दिया। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। क्यों नहीं होंगे यार, आप मेरे साथ हो और हम एक दूसरे के साथ हैं, हम एक दूसरे के लिए दुआ मांगते हैं, तो अच्छा होना लाजमी है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात क्या करेंगे? हम बात करेंगे स्किन की। स्किन हम सबको प्यारी होती है, और स्पेशली जो फेस होता है ना, ये हम सबके लिए हमारी जान होता है। तो उसमें अगर कोई दाग, कोई पिगमेंटेशन या अनइवन स्किन टोन हो, तो हमारा दिल ही बैठ जाता है ना। रिलेट कर पा रहे हो ना अपने आप से? तो एग्जैक्टली उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी स्किन को इवन आउट कर लेंगे और किस तरह से जो हाइपोपिगमेंटेशन है उसको ख़त्म कर देंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, ये जो होम रेमेडीज़ होती हैं, ये थोड़ा स्लो काम करती हैं, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। तो सबसे अच्छी बात कि आप जो भी कर रहे हो, अपने हाथों से कर रहे हो, अपने आप के लिए कर रहे हो, और आपके हाथों से ज़्यादा सेफ हाथ किसी के हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दो ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जिसको लगाने से आपकी स्किन होने वाली है बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको मसाज टेक्निक्स भी बताऊंगी। तो ऐसा ना हो कि कोई पोर्शन आप मिस कर दें और आपको इसका कोई फ़ायदा ना हो। तो सबसे पहली चीज़ मैंने जो ली है वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो है पोटैटो। आप देख सकते हो, ये मैंने थोड़ा आलू लिया है जिसको ग्रेट कर दिया है। इसको ग्रेट करने के बाद मैं इसका जूस जो है उसको लेने वाली हूँ, तो वो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है उसके बाद। तो ये तो रहा मेरा रामबाण नुस्खा, जिसमें आपको मैं बता दूँ, ये है आलू का जूस। ओके, तो ये जो जूस है इसके अंदर सिर्फ एक ऐसी चीज़ मिलानी है जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो वो चीज़ क्या है? वो मैं डालने वाली हूँ एसेंशियल ऑयल। तो कौन सा एसेंशियल ऑयल डाल रही हूँ? मैं डाल रही हूँ ये है फ्रॉम गुड वाइब्स का लेमन एसेंशियल ऑयल। आप देख सकते हो, दिस इज़ द ऑयल विच आई एम गोइंग टू ऐड इन इट। मैं इसकी सिर्फ दो बूंदें डालने वाली हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि पहली चीज़, मेरे स्किन पे अगर आप देखोगे तो कोई पिगमेंटेशन, शुक्र है माता रानी का, नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आप क्या करिए, दो से ज़्यादा, आप 4-5 बूंदें भी डाल सकते हैं लेमन की, प्योर लेमन की, तो आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। उसके बाद आप जब भी ये जो नुस्खा है आप ट्राई करोगे, उससे पहले आप प्लीज़ अपने स्किन पे एक पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। पैच टेस्ट ऐसे करते हैं कि आप स्किन पे थोड़ा सा इत्तू सा लगा के देख लीजिए कि कहीं कोई इरिटेशन तो नहीं हो रहा, बर्निंग तो नहीं हो रहा। कई लोगों को लेमन से या पोटैटो से किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, हाइपर सेंसिटिव होते हैं, तो वो लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, जनरली 99.9% ऐसा नहीं होता है, लेकिन हो सकता है ना 1% भी अगर होता है, 0.1% भी होता है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी आप जो है वो उन 0.1% लोगों में से एक हो। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल। अब फ्रेंड्स, इस एसेंशियल ऑयल को मैं डालने वाली हूँ इसके अंदर और उसको मिला लेना है। तो ये अभी ये जो लिक्विड है ये एक टोनर का काम करता है। ये जो है आपके स्किन पे जो ड्राई स्किन होती है उसको एक्सफोलिएट करेगा, हाइपर पिगमेंटेशन को लाइट करेगा, स्किन टोन इवन करेगा और आपका रंग भी गोरा करेगा। तो फ्रेंड्स, इसको आपको जनरली वीक में भी एक बार लगा लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप सिर्फ पोटैटो भी लगा सकते हो और उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर जैसे अगर आपको लेमन से एलर्जी है तो आप लेमन हटा दो और सिर्फ पोटैटो लगाइए। पोटैटो का जूस भी बहुत ज़्यादा काम का होता है। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने मिक्स करके इसको रेडी कर लिया है। अब आप इसको लगाएंगे कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहली चीज़, आप इसको थोड़ा सा ले लीजिए और अपनी स्किन पे इस तरह से सर्कुलर मोशन में लगाइए। ओके, ज़रा भी बर्निंग हो, ज़रा भी कुछ हो, तो प्लीज़ आप इमीडिएटली रुक सकते हैं, इस एरिया में मत लगाइए। कई बारी क्रैक्स होते हैं विंटर सीजन में या वेदर चेंज में, यहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं जो कि विजिबल नहीं होते हैं और आपको जल सकता है।
अगर आपको एक्टिव एक्ने है तो ये नहीं लगाना है, लेमन लगाओगे बहुत बर्निंग होगा। अगर सबसाइड कर गया है, अगर चला गया है और एक्ने मार्क्स हैं तो आप इसको लगा सकते हो। इस तरह से आप देख रहे हो किस तरह से मैं सर्कुलर मोशन में लगा रही हूँ। एक चीज़ और बताती हूँ, अगर आप इसका आइस क्यूब बना के भी रख लेते हैं तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। फ्रेंड्स, आपको इसको लगाना है 30 मिनट्स के लिए अपने फेस के ऊपर इस तरह से। आप 5 मिनट इसका मसाज कीजिए, बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा। अच्छा, जब भी हम ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं तो कोशिश कीजिए आँखों में नहीं जाए। उसके अलावा आपको क्या करना है, बहुत बोलती हूँ ना यार मैं, है ना, लेकिन क्या करूँ, काम मेरा है बोलने का। तो आपको इस तरह से लगाते रहना है, ठीक है, 5 मिनट तक। आप देख रहे हैं मैं सिर्फ सर्कुलर मोशन में पूरे हल्के हाथ से अपने फेस की मसाज कर रही हूँ। मेरा जो ये पोर्शन है थोड़ा सा सेंसिटिव है तो मैं वहाँ पे नहीं लगाऊंगी, मुझे रैशेस भी हो जाते हैं और प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो इसलिए मैं नहीं लगा रही। यू नो योर स्किन बेटर, तो आप अपने आप के लिए डिसाइड कीजिए। 30 मिनट्स बाद थोड़े ठंडे पानी से फेस वॉश कर लीजिए। अभी 4 लोग कमेंट कर देंगे, सर्दियों में ठंडे पानी से कैसे धोएं, प्लीज़ धो लो यार, आप ही की स्किन है ना, आप ही को बेनिफिट होगा। ठंडे पानी से धोने से स्किन अच्छी होती है, ठीक है। तो आप इसको 5 मिनट लगा के छोड़ दीजिए, उसके बाद आधे घंटे बाद जब ये ड्राई हो जाता है तो प्लीज़ फेस वॉश कर लीजिए। वीक में एक बार करने से आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलने वाले हैं। और कोशिश कीजिए कि रात के टाइम करें ताकि आपका जो स्किन है वो पोल्यूशन या फिर सन रेज किसी भी चीज़ के यू नो कॉन्टैक्ट में ना आए। तो रात में कीजिए, करने के बाद सो जाइए आराम से, आप देखेंगे नेक्स्ट डे बहुत ही ब्यूटिफुल स्किन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे अपलोड करना मत भूलिए। अपलोड करने के लिए आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप्स पे से मेरे वीडियो के नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है अपलोड, तो आप मुझे अपलोड कर सकते हैं वहाँ से। साथ के साथ फ्रेंड्स, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से कहते हैं प्यार और ज़्यादा बढ़ता है, और मुझे आगे लेके जाने वाले आप ही लोग हैं, आप ही लेके जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मैं फिर आऊँगी कुछ सिंपल सी चीज़ लेके जो कि आपके लिए होने वाली है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल। तो चलती हूँ, फिर मिलूँगी वेरी सून। कमेंट ज़रूर कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो तो बेझिझक पूछिए, मैं 100% रिप्लाई करती हूँ। तो चलती हूँ, बाय बाय।